नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करते हुए आपके 5वें अध्याय जिसका नाम है शिल्प उद्योग, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपका ये 5वां चैप्टर पेज नंबर 57 से लेकर 74 तक में उपलब्ध है, पेज नंबर 57 to 74। तो स्टूडेंट्स, आप अपना पाठ्यपुस्तक खोल लें और चलिए पेज नंबर 57 पे हम फोकस करते हैं, 57 पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले मैं एक वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो नाम है शिल्प और उद्योग, तो आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर के माध्यम से हम पिछले 250 से 300 वर्षों का जो भारत का इतिहास है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और किस पर्सपेक्टिव में पढ़ने जा रहे हैं? हम उद्योग और शिल्प इन दोनों को सामने रखते हुए ये देखेंगे कि भारत के जो उद्योग धंधे थे वो तब कैसे थे और अब कैसे हैं, और भारत के जो उद्योग धंधों में जो बदलाव आया, जो कुटीर उद्योग से आज हम मेगा प्रोड्यूसर बन गए हैं, चीन की तरह हमारा देश भी एक बहुत बड़ा उत्पादक देश बन चुका है, तो इसके बीच समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आए, क्या सारी चीज़ें सही हुई, जो भी बदलाव हुए उसका सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ा, ये कई बातें ऐसी हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट कुछ पंक्तियां हैं उस पर मैं फोकस करता हूं। आप देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार को सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। तो इस पर मैं स्टूडेंट्स पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि आज भले ही दूसरे बहुत सारे बंदरगाह हैं, चाहे वो पश्चिमी जो हमारा समंदर है उसमें कोचिन पोर्ट हो, कांडला पोर्ट हो, या मुंबई का पोर्ट हो, है ना, या हजीरा पोर्ट हो, हजीरा पोर्ट वो भी है गुजरात में, सूरत के आसपास ही है। उसी तरह से यदि हम लोग अपने पूर्वी समुद्र पे जाएं तो वहाँ कलकत्ता पोर्ट है जिसको डायमंड हार्बर बोलते हैं, इसके बाद विशाखापत्तनम पोर्ट है, चेन्नई जिसको मद्रास पोर्ट बोलते हैं वो है, विशाखापत्तनम का पोर्ट है, मासुलीपट्टनम भी है, बहुत सारे पोर्ट हैं। तो आज भले बहुत सारे पोर्ट हैं लेकिन तब हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था सूरत, ठीक है। और सूरत कहाँ था? आज के गुजरात में, तब भी गुजराती बोलते थे उसको। आगे बढ़ते हैं, डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। स्टूडेंट, 17वीं सदी की शुरुआत का मतलब, 17वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1601 से लेकर के 1700 तक का समय, ठीक है। जैसे ही 1701 हो जाएगा तो उसको हम लोग 18वीं सदी बोलेंगे, ठीक है। तो 1601 से लेकर के अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1700। तो स्टूडेंट्स मालूम होगा कि उस जमाने में भारत में किसका शासन था, 1601 से लेकर के 1700 तक का जो समय था उस जमाने में दिल्ली का जो तख्त था वो मुगल बादशाहों के हाथ में था, है ना। ज़्यादातर समय यदि आप देखिएगा 1601 से लेकर के 1700 तक का जो समय है वो जहांगीर शाहजहां और फिर औरंगजेब, है ना, यही पीरियड था। तो उस समय भारत के जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे वहाँ किसका शासन था और वहाँ पे क्या मुगलों का ही शासन था या कि कुछ विदेशी प्रभाव भी वहाँ दिखने लगे थे?
निश्चय ही स्टूडेंट्स वहाँ विदेशी प्रभाव दिखने लगे थे और वहाँ पुर्तगाली जो हैं वो आके बसने लगे थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। क्यों गिरने लगा स्टूडेंट्स? 18वीं सदी का मतलब, 18वीं सदी का मतलब होता है 1701 से 1800 तक का जो समय है वो हो गया 18वीं सदी। तो 18वीं सदी में इसका महत्व गिरने का कारण है स्टूडेंट्स कि फिर मुंबई पोर्ट जो है ना, जिसको बॉम्बे पोर्ट बोलते थे उस समय, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, एक है टेक्सटाइल और दूसरा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इन दोनों के बारे में तो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो सामाजिक बदलाव और आर्थिक बदलाव आए समाज में है ना, उसको भी हम जानेंगे। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिल्प कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी। ठीक है, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स, बुनकर का मतलब क्या होता है? बुनकर का मतलब होता है वीवर्स, है ना। वीवर्स का मतलब क्या होता है? जो कपड़ा बुनते हैं, जैसे कि जुलाहे, है ना। और लोहा बनाने वाले, स्मेल्टर्स इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले के समय में जब फैक्ट्रियां नहीं थी तो लोहा गलाने वाले लोग होते थे, जो लुहार होते थे। मतलब आज का लुहार नहीं, आज का लुहार तो जो है वस्तुएं बनाता है। उस समय के लुहार सिर्फ वस्तुएं नहीं बनाते थे बल्कि लोहा धातु को भी बनाते थे, तो उसको हम लोग स्मेल्टर्स बोलते थे। और फैक्ट्री मालिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑनर्स, तो फैक्ट्री मालिक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा यह हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ जानने का प्रयास करेंगे? इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के लिए कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। स्टूडेंट्स, मैं बता चुका हूँ औद्योगिक क्रांति के बारे में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि यूरोप में, विशेष करके इंग्लैंड में, जो उद्योग के क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंज आया था और उस चेंज के माध्यम से जो है मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन शुरू हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पर सामानों का उत्पादन होने लगा था, चाहे वो टेक्सटाइल हो या कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो। तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ बन रही थी उसको खपाने के लिए बाजार भी तो चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड एक छोटा सा देश, और उस देश में इतने सारे सामानों को बेच पाना, उसको खपा पाना कोई आसान काम नहीं था। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन के कारण, देखिए सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन, वही बात मैं कह रहा हूँ, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, क्या कह रहा हूँ, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं मशीनी उत्पादन। भारत में भी सूती कपड़े का उत्पादन होता था, वो काफ़ी उच्च कोटि का सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, लेकिन वो मैकेनाइज्ड नहीं था। ठीक है, देखिए जब यूरोप में, विशेष करके जब इंग्लैंड में एक मशीन मतलब इजाद हुई, एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग जेनी, क्या बोलते हैं, स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हो जाने के बाद जो कताई का जो काम था वो बहुत आसान हो गया, जो कपड़ा उत्पादन में जो है ये मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन उसी वक्त शुरू हुआ। तो आगे देखिए, सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन के कारण 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण का उपनिवेशीकरण से गहरा संबंध है। स्टूडेंट्स इसको समझिए, हम लोगों ने चौथे अध्याय में पढ़ा है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो आदिवासी समाज की बात तो नहीं, लेकिन हम लोग उपनिवेशवाद की जरूर बात करेंगे। तो भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश बनाया, उपनिवेश बनाने के पीछे जो औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है।
क्योंकि औद्योगिकीकरण के कारण जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में, वहाँ काफ़ी बड़े मतलब मात्रा में जब उत्पादन होने लगा, तो उतना सारा उत्पादन जो सामानों का हो रहा था, तो उन सामानों को कहीं तो कहीं बेचना था ना स्टूडेंट्स। तो जिन ऐसे देशों में बेचना आसान होता था जिस पर हमारा प्रभाव हो, तो ये जो अंग्रेज हैं वो लोग जो हैं धीरे धीरे करके भारत के जो शासन प्रशासन में भी अपना दखल देना शुरू कर देते हैं। जैसा आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, 1757 में पलासी की लड़ाई है ना, हालांकि उसके पहले ही बंगाल में उनका प्रवेश हो गया था, और जो पश्चिम का जो हमारा समंदर है गुजरात वाला, वहाँ सूरत में तो उनकी फैक्ट्री 1608 में ही बैठ गई थी, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, तो हम पूर्व के अध्याय में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा किया और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। स्टूडेंट्स ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर जो था हमारा दूसरा चैप्टर। तो दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक है ना। तो सारे चैप्टर्स स्टूडेंट्स अलग अलग तो नए होते हैं, सभी चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को आपको भूल जाने से काम नहीं चलेगा, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो उपनिवेशीकरण है ना, तो उपनिवेशीकरण का संबंध कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स औद्योगिकरण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में से चीज़ें खरीदती थी और इंग्लैंड और यूरोप ले जाकर बेच देती थी। आप कहेंगे क्या ऐसा होता था? जी हाँ, ऐसा ही होता था। शुरू में वो लोग भारत से सामान खरीदते थे और इंग्लैंड में ले जाकर के उसको बेचते थे। क्यों ऐसा होता था? इसलिए क्योंकि भारत के जो खास करके जो कपड़े थे वो काफ़ी उम्दा किस्म के थे, काफ़ी उच्च क्वालिटी के थे और महंगे भी थे। ठीक है, वो भारत के लिए महंगे नहीं थे, लेकिन जब वो विदेशों में जाता था तो वो काफ़ी महंगा हो जाता था। ठीक है, उसी तरह से यदि आप दक्षिण भारत के राज्य केरल की बात करेंगे तो वहाँ से मसाले जो हैं वो भारत में तो उसका कोई विशेष मूल्य नहीं था, लेकिन वे मसाले जब इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय देशों में पहुंचते थे तो वो काफ़ी उसका मूल्य वहाँ पे बढ़ जाता था और इससे उनको लाभ होता था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो इस खरीद बिक्री से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने यहाँ उत्पादित सामानों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। अब हम लोगों का बात तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, आज भी जो हमारा जो मार्केट है ना वो वास्ट मार्केट है, सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का। मतलब कोई भी सामान यहाँ बेचना, मतलब आप सोच सकते हैं कितने महानगर हैं, कितने गांव हैं, कितनी बड़ी जनसंख्या है ना। तो कोई भी सामान यहाँ पे ज़्यादा बिकता है, तो ये बात उस समय भी लागू होती थी क्योंकि उस वक्त भी भारत की जनसंख्या जो है अपेक्षाकृत यूरोपीय देशों से काफ़ी अधिक थी और उसको उन सामानों को भारत में खपाना बहुत आसान था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। वहाँ के उद्योगपति यानी कि इंग्लैंड के उद्योगपति, इंग्लैंड के उद्योगपति भारत को अपने यहाँ उत्पादित सामानों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह बड़ी मात्रा में ब्रिटेन के उद्योगों से तैयार सामान भारत के बाजारों में आने लगा। अब आगे हम लोग को देखना है स्टूडेंट्स भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, चैप्टर को नहीं बल्कि इस वीडियो को। चैप्टर तो अभी है, आगे आपको देखना है और लगातार इस चैप्टर में बने रहना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अभी थोड़े समय के लिए रुकता हूँ और आपको अगले वीडियो पे जाना है। यहाँ तक निश्चित रूप से आप लोग जो हैं विषयों को समझे होंगे और आप ये भी समझे होंगे कि किस प्रकार से जो है वो भारत में परिवर्तन आया और किस प्रकार से जो है यहाँ पे भारतीय समाज में इन चीज़ों का असर हुआ। तो कई बातें एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो इसे हमें समझना है।
ठीक है स्टूडेंट्स।